आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। ये क्लाइमेटोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में कि कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डस्ट पार्टिकल के नेचर को, क्योंकि ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस के साथ में पाया जाता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयरिक लेयर्स के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर एंड देन एट लास्ट एक्सोस्फीयर। फिर हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स अराउंड द सर्फेस ऑफ अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसके साथ में डस्ट पार्टिकल्स जो अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह, एक चादर की तरह ओढ़े हुए हैं। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये जो हमारा ऐसा कंडीशन बनती है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अर्थ के इक्वेटर पे गैसेस का जो लेंथ है वो ज़्यादा क्यों है और पोल्स पे कम क्यों है। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इन द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज फाउंड इन हाई अबंडेंस। नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो है सबसे ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस में, जो कि लगभग हमारा 79% के आसपास है। फिर हमारी जो सेकंड गैस है जो हाई क्वांटिटी में पाई जाती है वो हमारी ऑक्सीजन है, ये भी लगभग 21% है। ये दोनों गैसेस मिलकर लगभग 99% एटमॉस्फेयर हमारी बनाती हैं। जो थर्ड नंबर पे हमारी गैस है वो आर्गन है, लगभग 1% के आसपास। फिर हमारा फोर्थ नंबर पे जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद नियॉन गैस है, जो मैं इसमें मेंशन करना भूल गया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। फिर हमारी जो सिक्स नंबर पे गैस आती है वो हमारा क्रिप्टॉन है, सेवन नंबर पे हीलियम है, एट नंबर पे हाइड्रोजन है, नाइन नंबर पे ज़ीनॉन है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स का क्या नेचर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस के साथ पाए जाते हैं। तो जो इसका पहला फंक्शन है वो एक्ट एज अ मॉइस्चर होल्डिंग और कैप्चरिंग न्यूक्लियस। ये मॉइस्चर होल्डिंग की तरह काम करता है और हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड। ये क्लाउड फॉर्मेशन में प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकंड जो इसका है एक्ट एज अ हीट सिंक, हीट सिंक की तरह काम करता है। और थर्ड है इसका जो फंक्शन है वो सो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो सन रेस को अंदर तो आने देता है बट उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देता है। इसको हम लोग डिटेल में एक वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। कौन कौन सी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में। जो सबसे नीचे लेयर है हमारी दैट इज द ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है इट इज द गैसियस लेयर दैट ब्लैंकेट्स अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है वो एक चादर की तरह धरती के चारों तरफ लिपटी हुई है। एंड ऑलमोस्ट 99% ऑफ वाटर वेपर जो है हमारा ट्रोपोस्फेयर में ही है, और 75% ऑफ द मास ऑफ द जो हमारा गैसेस है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर में है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो चलिए डिस्कस करते हैं ट्रोपोस्फेयर। व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो हमारा है लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये लोअर मोस्ट लेयर है। जितने भी वैदरिक फिनोमेना हैं वो इसी लेयर में होते हैं। जितने डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, वो लगभग इसी लेयर में होती हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड लीड टू द क्लाउड फॉर्मेशन। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इस लेयर में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है। हमने डस्ट का नेचर देखा था कि वे न्यूक्लियस की मॉइस्चर होल्डिंग न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं और क्लाउड फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो जेट स्ट्रीम है वो अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फीयर पे सर्कुलेट करती हैं, ट्रोपोपॉज पे सर्कुलेट करती हैं विद द हाई वेलोसिटी। टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर और 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर।
ये जो लेयर है हमारी लगभग 8 किलोमीटर ऊपर तक है पोस्ट पे एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर. दिस इज द मेन क्वेश्चन डेट आई हैव आस्क्ड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो. यही मैंने क्वेश्चन बिगनिंग में पूछा था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इक्वेटर पे ज़्यादा क्यों है और हमारा पोल्स पे कम क्यों है. इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो में. देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर. दिस इज द सेकेंड लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर. ये जो हमारी लेयर है वो लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करती है. यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है. अगर होता भी है तो सीरियस क्लाउड फॉर्मेशन होता है जिससे वर्षा नहीं होती है, बारिश रेनफॉल नहीं होती है सीरियस क्लाउड्स के द्वारा. इसके बिगिनिंग में टेम्परेचर राइज करता है देन कॉन्स्टेंटली फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे उसका टेम्परेचर चेंज होने लगेगा. ये ओजोन लेयर की वजह से है. हमने अभी नीचे देखा था ट्रोपोस्फेयर की लेयर में सबसे पहले जैसे ही हम ऊपर जा रहे थे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो रहा था पर 165 मीटर पे. बट जैसे जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले तो हमारा टेम्परेचर स्टेबल रहेगा बट फिर कुछ डिस्टेंस के ऊपर लगभग 20 किलोमीटर के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि इसी लेयर में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है. उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन रेज हैं उनको एब्जॉर्ब करती है. इसकी वजह से टेम्परेचर राइज करने लगता है. एट रीचिंग द टॉप ऑफ द लेयर द टेम्परेचर बिकम 0 डिग्री सेल्सियस. जैसे ही हम टॉप ऑफ द लेयर पर पहुंचते हैं तो इसका टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. अब हम लोग देख लेते हैं ओजोन लेयर के बारे में जो कि हमारी स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर में पाई जाती है. स्ट्रेटोस्फीयर इज ऑल्सो समटाइम रेफर्ड एज ओजोनोस्फीयर. कहीं कहीं बुकों में स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोनोस्फीयर लिख के दिखा देते हैं. जो हमारी ओजोन लेयर है बेसिकली फाउंड होती है 20 to 35 किलोमीटर में. ये पॉइजनस लेयर है. अगर ये हमारे ट्रोपोस्फीयर में होती तो ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल भी हो सकती थी बट ये हमारी स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में है तो ये हमें वहाँ काफ़ी डिस्टेंस है और ये हमें हेल्पफुल हेल्प करती है अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने में. जहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है वहाँ पे टेम्परेचर राइज करता है एज वी गो अप एट द हाइट. इसको हम इन्वर्जन कहते हैं. व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग हाइट दिस इज नोन एज इन्वर्जन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेसोस्फीयर. व्हाट इज मेसोस्फीयर. मेसोस्फीयर की जो लेयर है वो लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की रेंज तक एक्सपेंड करती है. टेम्परेचर यहाँ पे फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है विद द इंक्रीजिंग हाइट एंड एट द एंड ऑफ द दिस लेयर द टेम्परेचर बिकम्स 100 डिग्री सेल्सियस -100 डिग्री सेल्सियस. तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. स्टार्टिंग में क्या हुआ था जब हम लोग नीचे ट्रोपोस्फीयर से ऊपर जा रहे थे तो -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 165 मीटर पे कम हो रहा था. फिर हम जब स्ट्रेटोस्फीयर में आए तो पहले कुछ डिस्टेंस तक टेम्परेचर स्टेबल रहा बट फिर से वह इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया क्योंकि वहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट थी. देन अगेन इन द मेसोस्फीयर टेम्परेचर स्टार्टेड टू डिक्लाइन. फिर से टेम्परेचर कम होने लगा और वो रीच कर जाता है -100 डिग्री सेल्सियस एट द टॉप ऑफ द लेयर मेसोस्फीयर. इस लेयर में नॉक्टोल्यूशन क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है. नॉक्टोल्यूशन क्लाउड तब बनते हैं जब हमारे यूनिवर्स से या फिर हमारे स्पेस से मेटेराइट्स आते हैं और इसी लेयर में बर्न हो जाते हैं. उनके द्वारा जो डस्ट इकट्ठा होती है उसी के द्वारा क्लाउड्स बनते हैं. उनको हम नॉक्टोल्यूशन क्लाउड्स कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइनोस्फीयर. इसको कभी कभी थर्मोस्फीयर भी कहते हैं. आइनोस्फीयर की जो टॉप ऑफ द लेयर है उसी को हम थर्मोस्फीयर कहते हैं. तो जो हमारी थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर है ये लगभग एक्सटेंड करती है 80 to 640 किलोमीटर तक. इस लेयर में N2 और O2 जो है वो एटॉमिक स्टेज में पाए जाते हैं. व्हेन द सन रेज फॉल ऑन आइनोस्फीयर इट डिवाइड्स इन मेनी लेयर्स. जब सन रेज फॉल करती हैं आइनोस्फीयर पे तो ये मेनी लेयर्स में डिवाइड हो जाता है और इसमें अलग अलग लेयर अलग अलग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है और अलग अलग रेडिएशन अर्थ पे भेजता है. जो लेयर्स में डिवाइड होती हैं DEFG है. अपर लेयर ऑफ द आइनोस्फीयर इज नोन एज थर्मोस्फीयर. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था जो अपर लेयर है हमारी आइनोस्फीयर की उसी को हम थर्मोस्फीयर भी कहते हैं.
मोस्ट ऑफ द गैसेज प्रेजेंट इन दिस लेयर आर इन आयोनाइज्ड स्टेट एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्टिंग द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सर्फेस। जो हमारी इस लेयर में है, हमारी मोस्ट ऑफ द गैसेज जो हैं आयोनाइज्ड स्टेट में हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करती हैं और हमारे कारण बनती हैं जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं उनके रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट बैक करती हैं अर्थ पर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस पाई जाती हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म में पाई जाती हैं, इसकी वजह से तो जो रेडियो वेव्स हमारी अर्थ से ऊपर जाती हैं वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर फिर से अर्थ पे वापस आ जाती हैं। इन द अपर लेयर ऑफ द आयनोस्फीयर इन द नॉर्थ पोल अरोरा बोरियोलिस ऑकर एंड इन द सदर्न पार्ट अरोरा ऑस्ट्रियोलिस ऑकर। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बड़े बड़े एग्जाम्स में टॉप एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस किस लेयर में होता है और यह कौन सी घटना है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सोस्फीयर के बारे में। जो हमारा एक्सोस्फीयर है वो आउट ऑफ द स्पेस है, आउटर लेयर है। इन दिस लेयर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस आर फाउंड। हाइड्रोजन और हीलियम गैस फाउंड होती हैं इस लेयर में, या फिर जो ऐसी गैसेस हैं जिनका एटॉमिक मास बहुत ही कम है वो इस लेयर में पाई जाती हैं। इन दिस लेयर टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट आर प्लेस्ड। जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट हैं वो इसी लेयर में प्लेस की जाती हैं। इसी लेयर में हमारा स्पेस स्टेशन भी लोकेटेड है। अपर पार्ट ऑफ द एक्सोस्फीयर इज नोन एज मैग्नेटोस्फीयर। जो हमारा अपर पार्ट है एक्सोस्फीयर को, उसे हम मैग्नेटोस्फीयर भी कहते हैं। सो ये हमारा वीडियो था एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में। इसके आगे की जो वीडियो सीरीज है वो आती रहेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन बने न्यू वीडियो बनाने की। थैंक यू।